अहम बैठक की। मध्य क्षेत्रीय परिषद की इस बैठक में छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल, मध्य प्रदेश के मुखिया श्री कमलनाथ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत मौजूद रहे। केंद्रीय गृहमंत्री शाह की अध्यक्षता में आयोजित इस महत्वपूर्ण बैठक में चारों प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों ने अपनी अपनी बातें कही। बात उन विषयों पर भी हुई जिसकी वजह से केंद्र और राज्यों के बीच अक्सर तकरार रहते हैं। खैर, इस बैठक के बाद छत्तीसगढ़ के हालात कितने बदलेंगे, भूपेश सरकार को अब केंद्र से कितना सहयोग मिलेगा, बाकी राज्यों के लिए बैठक में क्या कुछ खास रहा और सबसे अहम बात यह है कि क्या शाह की इस बैठक से नक्सलवाद पर नकेल कसेगी, इस पर आज विस्तार से बात होगी। साथ ही चर्चा मध्य प्रदेश की भी होगी, जहां तमाम बड़े मुद्दों से इतर बीजेपी अब दलितों को लेकर सियासी दंगल में उतर गई है। विपक्ष ने सरकार पर तुष्टिकरण का आरोप लगाते हुए सागर के दलित युवक की मौत के बाद आज सागर जाकर भी सरकार के खिलाफ हल्ला बोला। हालांकि ऐसा तब है जब मृतक का परिवार मौत पर कोई राजनीति नहीं चाहता है, लेकिन इसके बावजूद बीजेपी इसे लेकर आगे बढ़ रही है। तो सवाल उठ रहा है कि क्या वो मुद्दा विहीन हो गई है, अगर नहीं तो फिर मत दिया है, लिहाजा पहले बार मन के इस मन को लेकर। तो रायपुर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में मध्य क्षेत्रीय परिषद की महत्वपूर्ण बैठक हुई। इसमें छत्तीसगढ़ समेत मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री मौजूद रहे। बैठक में आंतरिक सुरक्षा, नक्सलवाद, राज्यों के विकास, केंद्रीय मदद, खनिज संसाधनों से अधिक रॉयल्टी जैसे कई मुद्दों पर चर्चा हुई। गंभीर मसलों पर चर्चा के बीच छत्तीसगढ़ को कई सौगातें भी अमित शाह ने दी। हालांकि बैठक में एक मुद्दा जो छाया रहा वो था झीरम घाटी की जांच का मुद्दा। बहरहाल, इस बैठक के बाद केंद्र और राज्य के बीच किस तरह का समन्वय रहेगा, क्या केंद्र सरकार राज्यों की मांगे पूरी करेंगी, आखिर ये बैठक छत्तीसगढ़ के लिए कितनी सफल रही है, इस पर चर्चा करें। चलिए इसके पहले देखते हैं हमारी ये खास रिपोर्ट। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को रायपुर में तमाम बड़े मुद्दों को लेकर बैठक की। मध्य क्षेत्रीय परिषद की इस बैठक में अमित शाह ने परिषद के सदस्य राज्य छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के मुख्यमंत्रियों के संग चर्चा की, जिसमें कई मुद्दों को राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने केंद्रीय गृह मंत्री के सामने रखा। सीएम भूपेश बघेल ने जहां झीरम जांच का मामला उठाते हुए ये कहा कि एनआईए की ओर से इसमें राज्य सरकार को केस डायरी नहीं दी जा रही है जो अनुचित है, इस पर केंद्र सरकार को विचार करना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने राज्य के 10 आकांक्षी जिलों में नव निर्माण के लिए लंबित 11,443 करोड़ का पैकेज भी मांगा। राज्यों को मिलने वाले केंद्रांश को 42% से बढ़ाकर 50% किए जाने की मांग की। उन्होंने कहा कि आने वाले साल के लिए राज्यों को दिए जाने वाले जीएसटी कंपनसेशन का जो प्रोजेक्शन किया गया है वो बेहद कम है, जो कि चिंता की बात है। शाह ने अपने रायपुर दौरे के दौरान छत्तीसगढ़ को कई बड़ी सौगातें भी दी। साथ ही उन्होंने कहा कि इस बैठक का मकसद राज्यों के छोटे बड़े मुद्दों को लेकर उनके बीच